अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वाइटनिंग रिब्स के बारे में, जो सवाल आप लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं, वाइटनिंग रिब्स का बताएं। और जब मैं पिछले दिनों काफ़ी बीमार हुई थी और मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लगाई थी, मुझे ड्रिप्स लगी हुई थी, तो सब पूछे कि आप वाइटनिंग ड्रिप्स लगवा रही हैं, हालांकि वो मैं हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने वहाँ पे वाइटनिंग ड्रिप्स क्यों लगवानी थी। खैर, तो वहाँ से अक्सर लोगों ने पूछना शुरू किया, फिर यूट्यूब पर भी अक्सर ये कॉमेंट आता है कि वाइटनिंग ड्रिप्स के बारे में हमें बताएं। वाइटनिंग ड्रिप्स भी कहते हैं, ग्लोइंग ड्रिप्स भी कहते हैं, ग्लूटाथायोन ड्रिप्स भी कहते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स भी कहते हैं इन्हें। क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ तो मेरी डोमेन में ये चीज़ ज़्यादा नहीं आती। हमारे साथ होंगी डॉक्टर आमना, जो आपको बताएंगी कि ये क्या हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनके, क्या फ़वाद हैं इनके, कौन लोग लगवा सकते हैं, कौन लोग नहीं लगवा सकते, इसको कैसे मेंटेन करना है, कितना खर्चा आएगा, सब डॉक्टर आमना से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। आमना, क्या है ये, क्या है ये ग्लूटाथायोन, क्या है ये? ये बेसिकली जो वाइटनिंग ड्रिप्स होती हैं, चार इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें ग्लूटाथायोन होता है, विटामिन सी होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है, कोलेजन होता है। हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करती है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं जो कि आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करता है, आपके वो फ्री रेडिकल्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनकी प्रोडक्शन स्टॉप कर देते हैं, जो कि आपके हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस तरह ही आपकी स्किन की हेल्थ में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसके साथ साथ, क्योंकि फ्री रेडिकल्स की अक्सर मैं भी बात करती हूँ कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरे हैं फ्री रेडिकल्स, ये शुगर के, ये कैंसर की वजह बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स इनको सप्रेस करते हैं, इनको अपने साथ बाइंड करके बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो इसका मतलब है ये स्किन के साथ साथ ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होंगे। बिल्कुल, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, एनर्जी बूस्टिंग भी करते हैं। आपने कहा ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, लेकिन अक्सर ये सवाल देखा गया है, अक्सर ये समझा जाता है ये लिवर कैंसर भी करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल मिथ्स होती हैं, इसके कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन कौन से पेशेंट्स इसे लगवा सकते हैं, उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपने पहले ब्लड टेस्ट करवाएं, अपनी मेडिकल हिस्ट्री आके डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं आप इसे ज़रूर लगवा सकते हैं। यानी लिवर और किडनी, जो कि अक्सर पेशेंट्स मुझसे भी ये पूछ रहे हैं, डॉक्टर आयशा वाइटनिंग इंजेक्शन अगर हम लगवाएं तो ये लिवर और किडनी को तो नहीं फेल कर देगा, तो यानी इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं और ऐसा नहीं होता, साइड इफेक्ट्स नहीं देता, लेकिन अगर आप LFTs RFTs करवा लें तो हमारी मॉनिटरिंग के लिए आसानी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। इसकी एज की लिमिटेशन क्या है, कौन से एज ग्रुप के लोग ये लगवा सकते हैं? देखिए, इसकी एज लिमिटेशंस नहीं होती है, लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लगवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि आप इसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं या नहीं। आजकल ये पॉलर्स के अंदर भी बहुत से लोग लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं और फिर साइड इफेक्ट्स एलर्जिक रिएक्शंस के साथ पेशेंट हमें रिपोर्ट हो रहे होते हैं। हाँ, ये मैंने पार्लर में तो लगते हैं, मैंने खुद भी देखे हैं, मैंने एक को फॉलो किया हुआ था, वहाँ पे वो हैरत की बात है कि इसको तो हेल्थ कमीशन के अंडर आना चाहिए, मगर वहाँ पे हाइड्राफेशियल्स भी हो रहे हैं आजकल पार्लर्स में, PRP भी हो रही है आजकल, वहाँ पे वाइटिंग इंजेक्शंस भी लग रहे हैं, जो कि बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वाइटिंग इंजेक्शंस का हमने बात कर ली, साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, वाइटनिंग इंजेक्शन कौन लोग लगवा सकते हैं वो भी आपने बता दिया, मेल फीमेल वैसे दोनों लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं। मेरे एक पेशेंट ने पिछले दिनों मुझे कहा कि मैं साहिवाल के पता नहीं सियालकोट में हूँ, तो क्या आपके क्लिनिक वाले मुझे वाइटनिंग इंजेक्शन भेज देंगे, मैं इधर बैठ के खुद ही लगवा लूंगा, क्या ये पॉसिबल होता है कि आप किसी को वाइटनिंग इंजेक्शन उसके घर भेज दें? देखिए, बेहतर ये है कि आप डॉक्टर के सुपरविजन में लगवाएं, क्योंकि इसके प्रॉपर ब्लड टेस्ट होते हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो खाली पेट आके लगवा लेते हैं, फिर वो फेंट हो जाते हैं, नोजिया रिपोर्ट होता है, तो बेहतर यही है कि आप आएँ, एक दफ़ा कंसल्ट करें, अपनी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर से डिस्कस करें, और फिर डॉक्टर जिस तरह गाइड करते हैं, क्योंकि मोस्टली वंस अ वीक हम रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हम आपको रिकमेंड करते हैं आप हमारी सुपरविजन में लगवाएं। पिछले दिनों जो जिन पेशेंट का मैं बता रही थी, वो बाकायदा मुझसे नाराज़ हो गए, वो कहते मैंने इतने लगवाए हैं, खैर मुझ पर असर नहीं हुआ, लेकिन होलिस्टिक मुझे यहाँ पर क्यों नहीं भेज सकता? अब मैंने आके क्लिनिक में डॉक्टर से बात की, डॉक्टर्स कहें हम तो इस तरह से तो हम इंजेक्शन नहीं भेजेंगे, किसी को इंजेक्शन हम भेज नहीं सकते, जिस पेशेंट ने आना है वो आके इधर लगाया, वो पेशेंट बाकायदा मुझसे नाराज़ कि आपने मेरी हेल्प नहीं की, मैं आपसे कह रहा था कि मुझे बस इंजेक्शन भेज दें। तो मुझे ये बताइए, हमने ये वाला भी डिस्कस कर लिया कि आपका क्लिनिक में आना ज़रूरी है, कितनी दफ़ा आना ज़रूरी है, मतलब कितने सेशंस इसके होने चाहिए? यूजली ये 8-10 सेशंस का कोर्स होता है, वंस अ वीक रिकमेंडेड होता है, लेकिन अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आप ट्वाइस अ वीक आके भी लगवा सकते हैं। और कितनी देर लगती है इसके एक सेशन? 15-20 मिनट्स की ड्रिप होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा,
हम बात करें इसमें ज़्यादा ग्लूटाथियोन है, विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह, कॉलेजन है, ये तो हम डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं, डाइट में भी ये चीज़ें मौजूद हैं। कॉफ़ी पी लो तो ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, आप फ्रूट खा लो उसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, आप यखनी पीना शुरू कर दो हड्डियों की तो उसके अंदर कॉलेजन होता है। तो फिर ये मुझे आई वीज की क्यों ज़रूरत है, आई मीन टेबलेट्स खाओ कॉलेजन की, ग्लूटाथियोन की टेबलेट्स खाओ, ग्लूटाथियोन टेबलेट्स तो मैं भी खाती हूँ, तो फिर आई वी क्यों लगवाएं हम? देखिए ग्लूटाथियोन टेबलेट्स के अंदर जो आपकी अवेलेबल डोज होती है वो 500 ग्राम होती है, तो बेहतर यही है कि आप आईवी के फॉर्म में लगवाएं, इसमें आपकी डोज ज़्यादा होती है, एफिकेसी इसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कितने टोन इंसान लाइटर हो जाता है, जो कि मैं कहती हूँ पाकिस्तानी आवाम का सिर्फ दो मसले हैं, एक हमें पतला कर दो, एक हमें गोरा कर दो, अस्तगफार। वैसे ना अब 2023 आ गया, प्लीज़ ये गोरी वाली चीज़ से तो बाहर निकल आएँ। अपने आपने अगर ये ड्रिप्स लगवानी है, ये सोच के मत लगवाएं इससे आप गोरे होंगे, ये सोच के लगाएं इससे आपका आपकी हेल्थ ओवरऑल बेहतर होगी, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, सिर्फ स्किन के लिए नहीं, आपको बहुत सारी बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है। उसके साथ साथ आप इसको लगाएं कि आपके चेहरे पे एक ग्लो आएगा, एक फ्रेशनेस आएगी, दैट्स इट। ये जो आज तक हमें कलर का कॉम्प्लेक्स है, इससे बाहर निकलें, जितने आपकी स्किन वैसे ग्लो करनी चाहिए, चाहे वो जिस टोन में भी है। तो कितने टोन, अगर पेशेंट पूछे तो कितने टोन हम लाइट करेंगे इससे? देखिए टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी बॉडी से किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। यूजुअली जो 10 सेशंस का कोर्स होता है उसमें आपकी 1-2 स्किन टोन लाइट होती है, लेकिन 100% गारंटीड रिजल्ट नहीं होते। 90% पॉपुलेशन पे ये वाइटनिंग पे रिजल्ट जरूर देती है, लेकिन 10% पॉपुलेशन पे जीरो रिजल्ट दे रही होती है। वाइटनिंग में आपको क्या रिजल्ट देगी, टोटली हिट एंड ट्रायल केस होता है। पेशेंट की डिमांड होती है कि हम वाइट होना चाह रहे हैं, हमें वाइटनिंग ड्रिप्स लगा दें, तो कभी भी डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब नहीं करते कि ये आपको वाइटनिंग की जरूरत है तो आप वाइटनिंग जरूर करवाएं। तो एक और चीज़ अनफॉर्चुनेटली जो बहुत 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 बुरी है, बहुत 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 बुरी है, जब रिश्ते नहीं हो रहे होते लड़कियों के तो उन्हें जी गोरा कर दो, इससे आपके रिश्ते होना शुरू हो जाएंगे। क्या वाइटनिंग ड्रिप्स लगवा के इतने गोरे हो जाते हो कि आप बिल्कुल बदल ही जाओ या आप बिल्कुल पहचाने ही ना जाओ, क्या ऐसा भी होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। देखिए एशियन जो स्किन टोन होती है उसमें 1-2 स्किन टोन ही आपकी स्किन टोन लाइट करता है, उससे ज़्यादा नहीं आपको वाइट कर सकता। कोई भी चीज़ जो आपको इंस्टेंट वाइटनिंग में रिजल्ट देती है मोस्ट लाइकली उसमें स्टेरॉइड होगा, जब स्टेरॉइड होगा उसके फिर साइड इफेक्ट्स भी ज़रूर होंगे। बिल्कुल ठीक है। सवालात मेरे ख्याल है हमने सारे पूछ लिए, एक चीज़ रह गई है, कितने पैसे लगेंगे? देखिए वो डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, वो आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, हम आपको डिफरेंट ब्रांड्स ऑप्शन बता देंगे, आप अपने बजट के हिसाब से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये थी डॉक्टर आमना हमारे साथ, जिन्होंने आप लोगों का जो बहुत आजकल कॉमन सवाल है वाइटनिंग ड्रिप्स, ग्लूटाथियोन ड्रिप्स या ये जो ग्लोइंग ड्रिप्स है इसके बारे में गाइड किया। शुक्रिया।